6. मतलब पाकिस्तान का इतना बड़ा मसला कर ले कि पाकिस्तान के पास कोई अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है सॉलिड, और उस वक्त दोनों क्वेटा के बैट्समैन सरफराज और आजम खान ऑन फायर. मेरा नाम है नवीद अनवर और मैं क्रिकिंगजिफ की तरफ से कवर कर रहा हूँ आजकल पीएसएल के कुछ मैचेस. मैं ग्राउंड में घूम रहा होता हूँ जब मैच चल रहा होता है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है कसम से. मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता है, मैं क्या बताऊँ आपको. किसी स्टाफ मेंबर से इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ, ग्राउंड स्टाफ से इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ, पूछ रहा होता हूँ कि भाई आपका क्या ख्याल है कि जो लोग खेल रहे हैं इनमें से हमारी वर्ल्ड कप की टीम में कौन आएगा. देखें बात तो सीधी है कि भले इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स एक दूसरे के साथ खेल रहे हों इन द सेम टीम, लेकिन ये लड़ाई आपस में भी काफ़ी है. बिकॉज 11 लोगों ने खेलना है ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप, चलो 15 की स्क्वाड कर लो, लेकिन तब भी इतने सारे प्लेयर हैं. बॉलर्स तो खैर इतने ज़्यादा हैं कि मतलब बोलते बोलते मुझे सुबह हो जाएगी, इसलिए मैं बोलना पसंद नहीं कर रहा यहाँ पे. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पोटेंशियली अपना कमबैक भी मार सकते हैं, इसीलिए माहौल थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा गर्म माहौल है. सही है. सबसे बड़ा जो मुझे एक क्वेश्चन मार्क रहा है ना, वो ये रहा है कि हसन अली क्या अपना कमबैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. हसन अली का मैं एक जमाने में बहुत बड़ा फैन था, स्पेशली आफ्टर दिस ग्रेट चैंपियंस ट्रॉफी रन, बट अनफॉर्चुनेटली समथिंग हैपेंड टू हिम एंड ही जस्ट वेंट ऑफ ट्रैक. मतलब पता नहीं क्या हो गया, शायद उन पर आई डोंट नो, शायद उनको कुछ एक साइकोलॉजिकल मसला आ गया, शायद ही वॉज फाउंड आउट, आई डोंट नो, बट ही लिटरली लॉस्ट ऑल काइंड ऑफ टच एंड देन ही वॉज इंजर्ड एंड ही इज बीन आउट ऑफ द स्क्वाड सिंस द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम. एंड सिंस देन वी हैड न्यू प्लेयर्स, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसन अभी, और मोहम्मद मूसा भी आ गए, अभी और पोटेंशियली भी आने वाले हैं, मोहम्मद आमिर खान अंडर-19 की टीम में आ गए. तो जगह मुश्किल है, जगह मुश्किल है. हसन भाई आपको कुछ करना पड़ेगा पीएसएल में. Here we go. Time to disappear, Hassan Ali. Welcome back, Jack. हसन क्या कर रहा है. हसन अली पिट रहा है, पिट रहा है, पिट रहा है, पिट रहा है, पिट रहा है. This lusty blow of Hassan Ali when he smashed it downtown. हसन अली टीम में आता है मुझे मुश्किल लग रहा है. हसन इसको टाइम चाहिए अभी, है ना, मुश्किल ही लग रहा है. बिकॉज हसन अली अभी अभी इंजरी से वापस आया है, तो अभी आज की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी. अब लेट्स सी कि थ्रू आउट पीएसएल वो क्या करता है. एंड आमिर को तो खैर वो जो से टेस्ट में से वो अपना रिटायरमेंट लिया है, तो थोड़ा सा मतलब इसके आमिर के बारे में क्या बोले यार. आमिर इज अ स्टार, आमिर हम सब का स्टार है, लेकिन आमिर इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज, बिकॉज ऑफ हिज ओन लैक ऑफ फॉर्म. काफ़ी गंदा टिप आया है उनके फॉर्म में पिछले 2 साल में, और उनको इस पीएसएल में कुछ करना पड़ेगा अगर उन्होंने जीतना है, कुछ करना पड़ेगा. अबे यार आमिर, कम ऑन आमिर यार, पूरा क्राउड पागल हो रहा है. आमिर क्या कर रहे हो. आमिर 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 भाई कम ऑन यार, आप क्राउड चेक करो, पूरा आपके साथ है, आउट करो यार. बहुत पिट गए आमिर भाई, हसन भाई बहुत पिट गए. मैं अभी अभी घर आ रहा हूँ स्टेडियम से, हालत ख़राब हो गई मेरी, क्योंकि ये हमारे स्टार थे यार, हमारे स्टार थे, मैं बड़ा फ़ैन था इनका. क्या हो गया इनको यार, बहुत पिट गए यार, बहुत पिट गए, बहुत थक भी गया यार, भूख लग रही है. फूड पैंडा, फूड पैंडा, फूड पैंडा, फूड पैंडा पे बाय द वे एक उनका नया फीचर आया है होम शेफ्स के नाम से, घर का खाना के नाम से, जिसमें घर का खाना मिलता है. बेसिकली जो लोग घर पर बैठे खाना बनाते हैं वो फूड पैंडा पर सेल करते हैं, और फूड पैंडा पर वो आप होम डिलीवरी करके मंगवा सकते हो घर का खाना. सो मेरा उस वक्त उसका मूड है, बिकॉज मेरे घर पे कोई है नहीं इस वक्त. बिरयानी का मूड हो रहा है हल्का सा. असल में सीन ये है कि आमिर का, हसन अली का, दोनों का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मुझे अफसोस हो रहा है सोच के कि आमिर जैसे बॉलर को शायद हम जल्द पाकिस्तान के कलर्स में फिर ना देखें. और सबसे मज़े की बात पता क्या है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आमिर को मारा किसने. अच्छा भाई दूसरा मसला, आजम खान ने तो पहले मैच में धूम मचा दी, इतना क्रिटिसिज्म मिला आजम भाई को कि यार आजम भाई आपका वेट का इशू है, आप मोइन खान के सन हैं, आपको नेपोटिज्म से आए हैं, आप पर्ची हैं.
लेकिन पॉइंट वही होता है कि सब बातें चुप हो जाती हैं अगर इंसान फील्ड पे प्रूव कर दे, एंड आजम भाई इन हिज फर्स्ट मैच पागल हो गए। नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली आजम ने, और हमें तो पता था कि वो कैसी इनिंग खेलते हैं, लेकिन उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी और उसने अवेल किया, और आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए उसको कि इतने प्रेशर टाइम के मौके पर एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली आजम। मिल गया भाई, मिल गया हमें विकेट कीपर बैट्समैन मिल गया। रिजवान भाई आपकी टेंशन हो गई, आपको आप टेंशन ले लें, आजम भाई आने वाले हैं। बट मैंने ये बोला ही था कि अगले दिन एज यूजुअल Akmal came out all guns blazing to smash this back over Nawaz's head for a humongous chucker. Oof, maar maar ke dimag kharab kar diya Kamran bhaiya ne baith ke wahan pe yaar. Oof, kasam se Kamran bhai ki hone wali hai century aur isko performance ko beat karna kaafi mushkil kaam hoga. Itna kamaal khelte hain PSL mein, inko international mein kya ho jata hai. Uske alawa masla sara ye hai Naveed ki inki wicket keeping achhi nahi hai yaar, warna Kamran bhaiya ko dekho to sahi, dekho विकेट कीपर की जो जंग होने वाली है ना, वो कमाल होने वाली है। क्योंकि जब कराची और क्वेटा का मैच हो रहा था, एक तरफ आजम भाई, एक तरफ सरफू भाई, और दोनों पोटेंशियली चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की टीम में आए। स्पॉट एक है उस तरफ बॉर्डर के उस पार, कामी भाई अभी पागल हो रहे हैं, क्या होगा, क्या होगा। सरफराज भाई ने भी चौके मारे, आजम भाई ने भी चौके मारे, और आजम भाई ने तो धो धो के इतना मारा मोहम्मद आमिर को। लेकिन जगह एक है, दोनों की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप गई, काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप गई दोनों की, काफ़ी अच्छा दोनों ने खेला, लेकिन जगह एक है। सरफराज भाई की फिटनेस ऑनेस्टली इस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है कम्पेयर टू आजम भाई एंड कामी भाई, लेकिन आजम भाई ने क्या मारे शॉट। मुझे लगता है सरफराज बहुत पाकिस्तान का अच्छा प्लेयर है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान टीम में दोबारा कम बैक करेगा। उम्मीद है, नहीं लगता, क्यों? क्योंकि इससे अच्छा कामरान अकमल प्लेयर है। कामरान भी अच्छा है, लेकिन सरफराज ने जो पाकिस्तान को पहले नंबर पे खड़ा किया T20 में, और उसने पाकिस्तान क्या होगा, क्या होगा। सरफराज का बहुत बड़ा फैन है, क्या कहेंगे इस बारे में।